की गारंटी बन चुके वरुण धवन इन दिनों फिल्म कलंक की शूटिंग में बिजी हैं। फिलहाल कलंक के सेट से वरुण धवन के फैंस के लिए बैड न्यूज सुनने को मिल रही है। खबर है कि वरुण धवन सेट पर घायल हो गए हैं और उन्हें गंभीर चोट लगी है। उन्हें बाजुओं में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया और शूटिंग भी रोकनी पड़ी। आपको बता दें कि वरुण धवन फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे। इस सीन में उन्हें दरवाजा उठाकर अपने को एक्टर के ऊपर फेंकना था। इस सीन को करते वक्त ही वरुण धवन के साथ ये हादसा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में एक बार फिर आलिया भट्ट और वरुण धवन की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। ये साथ में उनकी चौथी फिल्म होगी। वहीं इस फिल्म में 21 साल बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित भी बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। संजय दत्त और माधुरी फिल्म में पेरेंट्स के रोल में नजर आएंगे, वहीं आदित्य और वरुण सौतेले भाई के। फिल्म को अभिषेक वर्मन ने डायरेक्ट किया है और फिल्म 19 अप्रैल 2019 में रिलीज होगी। फिल्म काफी बड़े बजट की बताई जा रही है। इसके अलावा वरुण जल्द ही सुई धागा, रणभूमि और श्री राम राघवन की फिल्म में भी नजर आने वाले हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।